हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ह्यूमन कैरेक्टर के बारे में बताऊंगा। बेसिक्स जो किस तरीके से ह्यूमन कैरेक्टर करते हैं। तो सबसे पहले एक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। जो मैंने एक बेसिक सी स्क्रिप्ट बनाई है, जो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन लिंक में इसके जो प्रोग्राम है मिल जाएगा। आप यहां से डाउनलोड करके पाइथन में और रन कर सकते हैं इस तरीके से, या तो अपना खुद ही रिगिंग का जो हमारा पाइथन ट्यूटोरियल है उसमें से भी बना सकते हैं। बट मैंने एक आप लोगों को इसमें एक लिंक दे दूंगा, उसमें से आप डाउनलोड कर सकते हैं या तो खुद ही ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। सो, इस तरीके का बेसिक सा है, कोई ज़्यादा फैंसी नहीं है। तो ये हमारे पास एक ग्रुप हायरार्की है, तो इसको मैं मैस ग्रुप में जितने मैस हैं उसको पेरेंट कर दूंगा मैस ग्रुप के अंदर। और यहाँ पे रिग सेटअप पे क्लिक करूँगा। ये भी सिंपल सा है, आप या तो बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही ये क्रिएट कर सकते हैं ज्वाइंट, लेकिन मैंने एक थोड़ा काम को जल्दी करने के लिए या रिक को जल्दी बनाने के लिए एक छोटा सा ज्वाइंट प्लेसमेंट इस तरीके का रखा हुआ है। तो आप भी ऐसे बना सकते हैं, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसको ओरिएंट कर देंगे, सेलेक्ट करेंगे। इसका जो ओरिएंटेशन है, जो प्राइमरी एक्सिस एक्स है और जो सेकेंडरी एक्सिस वाई एंड सेकेंडरी वर्ल्ड एक्सिस जो है जेड एक्सिस में है, मैंने रखा है और पॉजिटिव है। ठीक है, इसको हम लोग ओरिएंट कर लेंगे। इसी तरीके से मेरा पूरा ओरिएंटेशन जो है बॉडी का, यही ओरिएंटेशन एक्सिस रहेगा। तो वन बाय वन जितने मेरे जॉइंट्स हैं, हैंड के, फुट के और स्पाइंस के, सभी जो जॉइंट्स हैं, ये ओरिएंटेशन जो है इसी तरीके से होगा। जो हमारे रोटेशन होगी वो जेड एक्सिस में होगी, इस तरीके से। जो ये है बाय डिफॉल्ट मेरा जेड एक्सिस में ओरिएंटेशन होगा, और जो इसका प्राइमरी एक्सिस एक्स है वो डाउनवर्ड की तरफ रहेगा। तो इस तरीके से हमारा ओरिएंटेशन है। आउटलाइनर को ओपन करके जो हमारे स्पाइन को छोड़ के सभी जो जॉइंट्स हैं उनको सेलेक्ट करके एक ग्रुप बना के और हाइड कर लेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम लोग ऑन करते जाएंगे और रेग करते जाएंगे, तो थोड़ी हायरार्की हमारी क्लीन रहेगा, व्यू पोर्ट क्लीन रहेगा। तो स्पाइन से हम लोग रिगिंग स्टार्ट करेंगे। जो हमारा जॉइंट्स है उसको पहले सेट कर लेंगे अपने कैरेक्टर के अकॉर्डिंग। जो हमारा कैरेक्टर है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सेट कर लेंगे। जो उसके लोकल एक्सिस दिख रहे हैं, लारे दिख रहे हैं, उसको हम लोग हाइड कर लेंगे सेलेक्ट करके। या तो बाय डिफ़ॉल्ट वन बाय वन कर सकते हैं, या तो स्क्रिप्ट में हायरार्की लिख के आप हाइड कर सकते हैं। सेलेक्ट माइनस हाई कमांड होता है और इसको सभी को हाइड कर सकते हैं इस तरीके से। ये हैंड का भी कर लेते हैं इसी के साथ।
मैं अभी एक साइड के जो जॉइंट्स है राइट साइड को उसको डिलीट कर देता हूँ, उसको हम लोग बाद में मिरर कर लेंगे प्लेसमेंट करने के बाद। जॉइंट्स जो हमारा है एग्जैक्ट प्लेसमेंट कर लेंगे और उसके बाद मिरर कर लेंगे। तो लेफ्ट व्यू से हम लोग या साइड व्यू से हम इसको प्लेसमेंट करेंगे। जो फुट हमारा रोल है उसको एग्जैक्ट पोजीशन पर रख लेंगे। यहाँ पे मैंने दो नी जॉइंट्स बनाए हुए हैं इस तरीके से, जो प्रॉपर नी का बैंड होगा उस तरीके से। कुछ सिंगल भी रख सकते हैं या डबल भी रख सकते हैं। डबल में थोड़ा जो जॉइंट्स के बैंड होते हैं, कर्व बनते हैं, वो प्रॉपर बनते हैं। इंसर्ट मोड में हम लोग थोड़े जॉइंट्स को प्लेसमेंट कर लेंगे। एक क्लेविकल को थोड़ा डाउन करके पहले हम लोग थोड़ा डाउन कर लेंगे क्लेविकल, और उसके बाद शोल्डर जो है उसको सेलेक्ट करके पूरा ही हम लोग डाउन कर लेंगे इस तरीके से। टॉप व्यू से सेलेक्ट करके जो जॉइंट की प्लेसमेंट होती है बहुत इम्पोर्टेंट होती है। जो हमारे सेगमेंट बने होते हैं जॉइंट्स के बैंड के लिए, वो भी बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर हमारे जॉइंट्स के सेगमेंट सही नहीं है तो हमारा जो एग्जैक्ट रोटेशन होगा, या कह सकते हैं प्रॉपर हमारा एक तरीके से जो बैंड होगा वो नहीं होगा। अगर प्रॉपर जॉइंट्स प्लेसमेंट ना हो या इस तरीके का हमारा लूप ना हो, तो उसको हम लोग मेंटेन करके रखें। बाकी मैं सिंपल सा ही जॉइंट रखूँगा, जो शोल्डर और एल्बो रिस्ट है इस तरीके से ही रखूँगा अभी। एनाटॉमिकली नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि हमारे जॉइंट्स कहाँ पे होते हैं, कौन सी जॉइंट कितनी मूव करती है। जॉइंट्स प्लेसमेंट बहुत ज़रूरी होती है। अगर जॉइंट्स गलत लगेंगे तो हमारा डिफॉर्मेशन गलत होगा। वायर एक्सिस में हम लोग चेक करते चलेंगे जॉइंट्स के जो लूप हैं उसके अकॉर्डिंग अपने जॉइंट्स को प्लेस करेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए मैंने एक एडिशनल जॉइंट्स रखे हुए हैं, जो आप देख रहे होंगे यहाँ पे नकल्स जॉइंट्स के ऊपर एक एक्स्ट्रा जॉइंट्स दिख रही है। उसको थोड़े बैंड करने में या रोटेशन देने में हमें बहुत इजी अचीव मिल जाता है इजली।
हम थोड़ा, अगर हमारे पास नकल्स जॉइंट्स होंगे तो पूरा उस तरीके का फील नहीं आता है जो हम कर्व करते हैं या बेंड करते हैं फिंगर्स को। तो इस तरीके का कुछ मैंने जॉइंट्स रखा है। थंब जॉइंट में हमारे पास सिर्फ रोटेशन के लिए दो ही होते हैं ऑलमोस्ट, तो मैंने दो जॉइंट्स लगाए हैं और एक एडिशनल जॉइंट्स जो ऊपर की तरफ है वो है, थोड़ा मोमेंट देने के लिए इजीली फिक्स हो जाता है हमारा रोटेशन। तो इस तरीके का हमारा कुछ जो हमारा जॉइंट प्लेसमेंट होगा, अब क्लेविकल को हम लोग टॉप व्यू से सेट कर लेंगे। हर एंगल से अपने जॉइंट्स की प्लेसमेंट चेक करनी चाहिए, तभी प्रॉपर एक डिफॉर्मेशन मिलता है, या तो अगर आप थोड़ा भी इधर उधर रखेंगे तो जॉइंट्स के जो डिफॉर्मेशन है वो प्रॉपर नहीं मिलती है, तो एनिमेशन के टाइम में हमें प्रॉब्लम आती है। अभी जैसे स्पाइन है हमारा थोड़ा आगे है, इसको भी हम लोग पीछे करेंगे। पहले मैं जो थाई जॉइंट है उसको पीछे कर लेता हूँ। इस तरीके से मैं, और नेक जॉइंट है उसको भी सेंटर नेक में रख लेता हूँ। जो स्पाइन हमारा होता है थोड़ा कर्व में होता है, तो उस तरीके का शेप कुछ डाल लेना चाहिए अपने जॉइंट्स के।